नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत ही सुंदर बेड बनाने वाले हैं। अब उसकी हम कटिंग स्टार्ट करेंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक पूरा देखें, ये वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। दोस्तों सबसे पहले हम अगर 6x6 का बेड बनाना है तो ये हमारे बोल्ट हैं जो ये 8 फुट लंबाई में है। दोस्तों हम सबसे पहले इसको 6 फुट की लंबाई में कटिंग करेंगे। ये हमारे दोनों बोल्ट कटिंग हो चुके हैं, अब इसकी चौड़ाई कटिंग करेंगे। दोस्तों अब हम 15 इंची के साइज में जो इसकी लंबाई के पीस हैं वो तैयार करेंगे। दोस्तों हमें ये 6 पीस चाहिए जो हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारी 15 इंची की कटिंग है जो लंबाई में हो चुकी है। अब हम इसको गुणियां करेंगे। जो हमारे साइड वाले लंबाई के पीस है वो 6 फुट में कटिंग करेंगे, रेडी करेंगे अब गुणिये से। और जो दोस्तों साइड वाले पीस है वो 34.5 इंची की कटिंग होगी उसकी। इसको दोनों साइड से गुणियां करना पड़ेगा। दोस्तों जो ये हमारे 2 पीस लंबाई में है, ये हमारे 4 पीस जो हमें 6 फुट में चाहिए 75 इंच के, और 4 पीस हैं जो वो 34.5 इंच के चाहिए। तो ये जो हमारे 4 पीस है 34.5 इंच साइज में तैयार किए हैं, और ये 75 इंच वाले भी 4 पीस तैयार हैं। दोस्तों ये हमारे 35x75 के साइज में 2 बॉक्स खोकर तैयार कर लिए गए हैं। और दोस्तों इसके नीचे प्लाई लगाने के लिए यहाँ पर हमें सपोर्ट देनी होगी। अब सबसे पहले हम नीचे सपोर्ट देंगे। हमारे द्वारा ये नीचे सपोर्ट देने के लिए रंधा मशीन द्वारा रंधाई करके इसको तैयार किया गया है। अब हम इसकी कटिंग करके सपोर्ट बनाएंगे।
दोस्तों ये हमारे एक पलंग के नीचे चार सपोर्टें दी जाएंगी। ये दोनों के लिए हमारे द्वारा 8 सपोर्ट तैयार की गई है। हमारे द्वारा इस प्रकार से सपोर्ट लगाई गई है नीचे। दोस्तों इस प्रकार से सपोर्ट लगाने में कल को अपने किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आती है। हमारे द्वारा इसमें 4 सपोर्ट दी गई है। और दोस्तों इसके अंदर अब यहाँ पर प्लाई आएगी। हम आपको दिखाते हैं प्लाई लगाकर इसमें। ये हमारे द्वारा जो ये हमारा जो 6x3 का बॉक्स है उसके नीचे की साइड के लिए प्लाई काटी गई है। अब हम इसके अंदर प्लाई लगाएंगे। दोस्तों आप वीडियो को देखते रहे, वीडियो को पूरा देखें और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी करें। ये हमारे द्वारा इसके अंदर की प्लाई कटिंग करके फिटिंग की जा रही है। अब ये इसके अंदर यहाँ पर कीलें लगाई जा रही है। इसको चारों साइडों से अच्छी तरह से कील लगाई जाएगी। इस प्रकार से हमने दोनों जो बॉक्स तैयार किए हैं उनके अंदर प्लाई फिटिंग कर दी है। ये दोनों बॉक्स के जो नीचे वाली प्लाई है, ये देखो अंदर वाली प्लाई है जो ये लग चुकी है। दोस्तों अब हम इन दोनों बॉक्स का जो साइड फ्रेम है वो तैयार करेंगे। दोस्तों वीडियो में बने रहे। ये नीचे वाली प्लाई लगाने के बाद में ये हमारे द्वारा 2 इंची के पागे हैं, स्टील के पावे, ये हमारे द्वारा यहाँ पर लगाए जाएंगे। ये इस प्रकार से लगेंगे। अब हमारे द्वारा ये पागे लगाए गए स्टील के, आप देख सकते हैं दोनों बॉक्स के आगे कंप्लीट किए जा चुके हैं। दोस्तों अब इसका जो बॉक्स का बॉर्डर है वो तैयार किया जा रहा है। इसको हमारे द्वारा 2.25 इंची तैयार किया जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों इसकी मोटाई है जो 2.25 इंची हो गई है।
इसको 2.25 इंची की मोटाई और 4.25 इंची चौड़ाई है रहेगी बॉर्डर की। दोस्तों ये हमारे द्वारा तीनों पीस तैयार कर लिए गए हैं, अब हम इसको लगाएंगे। इसका जो साइज रखा है हमने वो 4.25 इंची बाई 2.25 इंची रखा है। अब ये बॉक्स के साइड में लगेगा यहाँ पर, अब हम इसको लगा कर दिखाएंगे। तो ये इसके बॉर्डर लगाएंगे अब हम, और ये बॉर्डर है जो हमारा आपको बताया 2.25 इंची बाई 4.25 इंची का है। दोस्तों इसके फेविकोल लगा लिया है। दोस्तों इसको अपने जो बॉक्स ठोका है 35x75 का, उससे अपने यहाँ से 1.5 इंच ऊपर उठाकर लगाएंगे इसको। तो अब हमारा ये जो तीनों साइड का बॉर्डर है वो लग कर तैयार हो चुका है। ये देखो दोस्तों हमारा तीनों साइड का जो बॉर्डर है वो तैयार हो चुका है। अब दोस्तों इसके ऊपर जो ढक आएगा अब वो तैयार किया जाएगा, इसके ऊपर वाला बॉक्स तैयार होगा। अब हमने ये मार्जिन निकाली है 1 इंची व 1/2 इंची है। दोस्तों ये जहाँ पर हमारा पल्ला आएगा उसके नीचे यहाँ पर लगेगी, इसको हम चारों साइड लगाएंगे। चलो दोस्तों इसको हम लगा देते हैं। अब चारों साइड हमारे द्वारा जो अपने 1/2 इंची वही 1 इंची का मार्जिन है आप देख सकते हैं कि हमने लगा दिया। अब इसके ऊपर वाला जो ढक है वो बनाएंगे, इसके ऊपर से एक साइड 1 फुट बंद किया जाएगा, बाकी खुलने बंद करने के लिए अपने लंबा ढक लगाया जाएगा। दोस्तों ये हमारा जो ढक है ये कटिंग करके इसको रेडी कर दिया है। दोस्तों इसको ऊपर से 1 फुट बंद करेंगे, यहाँ से फिक्स कर देंगे, और दोस्तों इसके बाद में जो है वो इस साइड से ओपन हुआ करेगा। और दोस्तों उस साइड में अभी कब्जे लगाने बाकी हैं, उस साइड में कब्जे लगाएंगे। एक बॉक्स की कटिंग करके रेडी कर दिया है और दूसरे का भी काम चल रहा है। अब दोस्तों इस दूसरे बॉक्स की तैयारी करते हैं, इसके ऊपर वाला जो हमारा पल्ला है उसकी फिटिंग कर रहे हैं। अब दोस्तों इसके ऊपर वाले दोनों जो ढक है वो तैयार कर दिए गए हैं। दोस्तों अब इसके इस साइड में कब्जे लगेंगे, 2-2 कब्जे लगाएंगे, और दोस्तों इस साइड में हैंडल लगेगा। दोस्तों इसके कब्जे जो 3 इंची का कब्जा स्टील का इस प्रकार से लगाया जाएगा।
दोस्तों ये हमारा जो दोस्त बेब है वो तैयार हो चुका है। अब इसकी जो बैक साइड है जो दो किराना साइड बनानी बाकी है। दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा लंबी होगी इसलिए उसकी अलग से वीडियो बनाएंगे एक। दोस्तों उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखना, जल्दी वो हमारी वीडियो हमारे इस चैनल पर अपलोड की जाएगी। आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।